सपोज क्वेश्चन आया कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ सर्टेन एंगल थीटा एंड द एच मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज गिवन सेफ 25 मीटर्स राइट एंड रेंज इज गिवन रेंज मैक्स अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल वॉज The question is like this that a projectile is projected so that projectile is rotated at an angle of theta with the horizontal if the maximum height attained by the projectile is 25 meter and the range of the projectile is 100 meter. What is the value of theta? Right? So value of theta kya hai? Ye find out karna hai. Range di hui hai 100 meters. राइट और हाइट दी हुई है 25 मीटर्स राइट तो हमें पता है कि जो हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g राइट और हमें रेंज पता है क्या होती है रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी राइट तो हम जब ये नंबर वन इक्वेशन को नंबर टू इक्वेशन से डिवाइड करते हैं राइट दिस इज आर नंबर टू इक्वेशन सो वन डिवाइडेड बाय नंबर टू राइट ये दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये यहाँ पे एच की वैल्यू में पता है कि एच इक्वल्स टू 25 मीटर्स है और ये यू 25 इंटू 2 हो गया 2 इंटू 25 राइट बिकॉज ये टू हम इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया ये यू स्क्वायर कैंसल आउट हो गया राइट जी जी कैंसल आउट हो गया और क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा राइट तो साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 2 sin theta cos theta राइट दिस कैन बी रिटन एज दिस तो ये क्या हो जाएगा 50 is equal to sin square theta अपॉन 2 sin theta cos theta राइट ये 2 उधर गया ये क्या हो गया 100 is equal to 1 sin theta एंड दिस पावर गॉट कैंसल्ड साइन थीटा रिमेन्ड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये रेंज की वैल्यू क्या थी ये डिफरेंस पे यहाँ पे आर भी है ना कॉस 1/2 किया है तो दिस होल डिवाइडेड बाय आर भी चल रहा है यहाँ पे राइट यहाँ आर की वैल्यू क्या थी 100 थी राइट क्वेश्चन में तो ये 100 एंड 100 विल गेट कैंसल्ड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है तो 1 is equal to हो जाएगा टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा राइट बिकॉज 100 अपॉन रेंज जिसकी वैल्यू 100 थी राइट आर इज अपॉन आर इक्वल्स टू 100 ये थी क्वेश्चन में गिवन
और ये था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, विच इज टैन थीटा, राइट. तो ये कैंसल आउट होगा, विच इज वन. टैन थीटा वन कब होता है? थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, राइट. सो दिस बिकम्स योर आंसर. इस टाइप के क्वेश्चंस आईएमसीटी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, राइट. सो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको इन्हीं तीन फॉर्मूलेस पे और डेरिवेशंस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कभी कभी एक ट्रिक टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन रहता है कि अ प्रोजेक्टाइल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अगेन रीचेस द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड्स निग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस, राइट. तो ये इसमें आप ये एक काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, राइट. बिकॉज वो बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका, राइट. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से, राइट. और एंड इट इज आस्किंग यू कि आफ्टर 2 सेकेंड्स, दैट आफ्टर द क्वेश्चन इज दैट आफ्टर 2 सेकेंड्स वेन इट रीचेज अगेन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वॉट विल बी द वेलोसिटी. तो सपोज यहाँ से आपने वर्टिकली अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड पे भेजा, राइट. तो आफ्टर 2 सेकेंड वो वापस इसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आ रहा है, तो निग्लेक्टिंग एनी एयर रेसिस्टेंस. तो जिस वेलोसिटी से आपने भेजा यहाँ पे, तो यहाँ उसने सपोज ये मैक्सिमम हाइट जब उसने अटेंड की तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, बट जब वो वापस आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होते होते इसके बराबर ही हो जाएगी ना 10 मीटर पर सेकेंड की, राइट. बिकॉज जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका, वर्टिकली सीधा फेंका, तो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, राइट. बिकॉज एयर रेसिस्टेंस निग्लेक्ट है, जितनी वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से वापस भी आएगा, बिकॉज अंडर द ग्रेविटी इट इज फॉलिंग, राइट, निग्लेक्टिंग द मास, दिस वेरी नेग्लिजिबल एयर रेसिस्टेंस, राइट. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्क्ड इन आईएमसीटी एग्जाम. ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग.